और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर ताप्ती नदी के सतियारा घाट पर भगवान बालाजी महाराज का मेला कलाकारों ने करतब दिखाए, जिसके बाद गरबा राष्ट्र का आयोजन हुआ। मंगलवार दोपहर 2 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ताप्ती नदी के सतियारा घाट पर भगवान बालाजी महाराज का मेला लगा हुआ है। यहाँ पर सोमवार रात करीब 12 बजे कलाकार करतब दिखाते हुए नजर आए। इसके बाद गरबा रास का आयोजन हुआ। गरबा रास में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली समिति को बालाजी उत्सव मेला समिति की ओर से सम्मानित किया गया, तो वहीं करतब दिखाने वाले अखाड़े के उस्तादों का भी स्वागत सम्मान हुआ। वहीं मेले में खेल खिलौने की दुकान और झूले भी आकर्षण का केंद्र रहे। दूर दूर से भक्त भगवान बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे। जय गोविंद, जय बालाजी के जय घोष से ताप्ती नदी का सतियारा घाट गूंज उठा। देर रात तक मेले का आयोजन हुआ। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल भी तैनात था। मेरा नाम घनश्याम महाजन, सिर्रा में व्यायामशाला का उस्ताद हूँ। मैं सभी बच्चों को व्यायामशाला में सभी व्यायामशाला का कार्यक्रम सिखाता हूँ और एटम दिखाता हूँ, रेजिम का प्रदर्शन दिखाता हूँ, कुश्ती का प्रदर्शन दिखाता हूँ, कबड्डी का प्रदर्शन दिखाता हूँ और बहुत सारे गरबा है, बहुत सारी चीज़ों का अपना प्रदर्शन दिखाते रहता हूँ। सभी बच्चों को ट्रेन करता हूँ। आपकी उम्र कितनी है और कितने वर्षों से कर रहे हो? 50 वर्ष उम्र है मेरी। कितने वर्षों से कर रहे हो आप? ये तो मेरे बचपन से ही करे जा रहा हूँ मैं, जब से 7-8 साल का था। पहले मैं लोकुश व्यायामशाला में था, उसके बाद सिरा व्यायामशाला में। क्या मुख्य उद्देश्य क्या आपका? आपको ये बच्चों को ट्रेन करा, बच्चों को अच्छा रखना, बच्चों का स्वस्थ अच्छा रहना, लाइन सही रहना, अपना काम धंधे की व्यवस्था से करना, घर कैसा चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं बताना बच्चों को। ये सिरा व्यायामशाला खोलने को हमको ये 7वां वर्ष है, लेकिन हम 4 साल से ये प्रदर्शन दिखा रहे हैं और पहले भी हम कई अखाड़ों से संपर्क में भी थे और जाते आते भी थे, वो कुछ हमारे भी उस्ताद लोग तो पहले भी उनसे भी हमने सीखा। क्या क्या सिखा रहे हो लेटेस्ट में अभी? अभी हम बच्चों को डबल वार, सिंगल वार, इनकी तैयारी चल रही है। और अभी जो अभी आप लोगों ने देखा, खिले की पट्टिया है, नरियल फोड़े, गाड़ी का चाक रख के अपन ने फर्सी फोड़ी, राज खाए, बिलेट खाए बच्चों ने। बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पेंशन संगठन ने डीए बढ़ने की मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार दोपहर 2 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पेंशन संगठन ने डीए बढ़ाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम कलेक्टर भव्या मित्तल को ज्ञापन सौंपा। संगठन के उता उल्लाह खान ने जानकारी देते हुए बताया कि 2023 से डीए बढ़ गया है, लेकिन आज तक हमको बढ़कर नहीं मिल रहा है, जिस कारण हमने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो रहा है, जिसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और निराकरण हो इसकी गुहार लगाई। राज्य शासन 4% डीए विगत 1 साल से नहीं बढ़ा रहा है। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, मिले उनसे, लेकिन आश्वासन ही मिल रहे हैं डीए नहीं बढ़ाया गया है। इसके खिलाफ हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारी मांग पर विचार किया जाए और दिया जाए। बुरहानपुर सुंदरनगर बाईपास का पुलिया पानी के तेज बहाव के कारण बह गया। लोगों का आवागमन करने में परेशानी हो रही है, जिसको लेकर लोगों ने विरोध जताया। मंगलवार दोपहर 2 बजे सुंदरनगर बाईपास पर पुलिया बहने के कारण लोगों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही है, जिसको लेकर लोगों ने विरोध जताया। क्षेत्र के शुभम का कहना है कि इस पुलिया से करीब 5,000 से अधिक लोग रोजाना आना जाना करते हैं, लेकिन यह पुलिया बह जाने के कारण कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमको करीब 5 से 6 किलोमीटर घूमकर आना जाना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने विरोध जताकर जिम्मेदारों से पुलिया का निर्माण कार्य शुरू हो और जल्द पुलिया बने इसकी मांग की है। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से उपज की खरीदी की जाती है, लेकिन कुछ किसान पास के केंद्र नहीं होने के कारण पंजीयन नहीं कर पाते हैं, तो कुछ किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए बुरहानपुर जिले के रेणुका कृषि उपज मंडी में जिला प्रशासन की ओर से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन, बाजरा और ज्वार का पंजीयन करने के लिए एक केंद्र खोल दिया है। यहाँ पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पंजीयन कराने के लिए पहुँच सकते हैं।
चार दस्तावेज लेकर जाना है। आपका निःशुल्क पंजीयन होगा, कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा। रेणुका कृषि उपज मंडी में पंजीयन केंद्र प्रभारी नरेंद्र निगम ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 अक्टूबर तक किसान सोयाबीन का पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन करने कृषि उपज मंडी रेणुका माता मंदिर में पंजीयन करने आया हूँ सोयाबीन का। सोयाबीन का कहाँ से आया हूँ? मैं ब्राह्मणपुर से। कहाँ पर आपका खेती? मेरी बहादुरपुर मोहम्मदपुरा। क्या समर्थन मूल्य में खरीदी होगी? हाँ, समर्थन मूल्य 25 से 25 दस तक। बोरी खुर्द से। क्या 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 दस्तावेज लग रहे हैं? यहाँ लग रहे हैं भाई की फोटो कापी, पासबुक, आधार कार्ड, समग्र आईडी। हाँ, निःशुल्क। सोयाबीन और ज्वार बाजरा तीनों का पंजीयन चालू हो चुका है, जिसमें किसान को समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, खेत की वही या खसरा नंबर लगेगा। क्या रेट खरीदी होगी सोयाबीन का? सोयाबीन का समर्थन का भाव आया है 4892 रुपये और ज्वार का भाव है 3371। मतलब पिछले साल से बढ़ोतरी हुई है सोयाबीन? हाँ, बढ़ोतरी हुई समर्थन। मध्य प्रदेश के कई ऐसे बड़े झरने हैं कि जहां पर पर्यटक सबसे अधिक घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन इस पर्यटक केंद्रों पर कुछ लापरवाही होने के कारण हादसे भी होना शुरू हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के सबसे बड़े झरने बसाली के झरने पर इन दिनों हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक नवाचार किया है। इस झरने पर पर्यटक केवल शाम 5 बजे तक ही घूम सकेंगे और पानी के पास कोई नहीं जाए और कोई हादसा ना हो, इसके लिए एक होमगार्ड जवान को तैनात किया कर दिया है। इस झरने पर 6 से 7 फीट पानी होने के कारण हादसे भी हो सकते हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने यह व्यवस्था की है। होमगार्ड कमांडेंट मीनाक्षी चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बसाली गांव का सबसे बड़ा झरना है। यहां करीब 30 फीट ऊंचाई से बहता है। यहां पर कोई हादसे ना हो, इसलिए पर्यटक शाम 5 बजे तक यहां पर घूम सकते हैं और एक होमगार्ड जवान को भी तैनात किया है ताकि लोगों को पानी के पास जाना ना पड़े। अभी हम लोगों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने जो हमें निर्देश दिए हैं उसके पालन में हम लोग यहाँ आए थे, तो हमने यहाँ विजिट किया है, तो कुछ जो कमियाँ हमने पाई हैं या जिनकी पूर्ति करके हम लोगों की जान बचा सकते हैं, तो उसके लिए हम इंतजाम कर रहे हैं।